अरे अरे होमवर्क बना के कहाँ नहीं भेजा बाबू? नहीं नहीं सुनाई दे रहा आराम। चलो लक्ष्मी है, कौन है? कछुआ कहाँ भागी बाबू? कछुआ कहाँ भागी जी? देखो बाबू हम लोग पढ़ क्या रहे बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। किसका मल्टीप्लिकेशन? अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे आसान वाला है। कौन वाला? सबसे आसान वाला है ना, सबसे आसान वाला। ठीक, देखो आपको क्या पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन। देखो शुरू में क्या पढ़ा है, मोनोमियल का है ना, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना, फिर एक ये मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, है ना, फिर बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ, है ना, फिर बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना, आपको अगर बेस सेम मिलेगा तो पावर को जोड़ देना बस, और कुछ नहीं करना, है ना। अब बाकी थोड़ा बहुत एडिशन वाला प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना, जैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना। कहाँ गया विक्रम शैतान? चलो ठीक है, हम लोग इसको सर मल्टीप्लाई मैं कर अभी लेते गया। हैं। हाँ, 2x को मल्टीप्लाई करना है ये तीनों टर्म के साथ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, 2x को मल्टीप्लाई करना किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2। ठीक, फिर 3y को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इस टर्म के साथ जो बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। हाँ सर बाबू, पढ़ाई बच्चे कॉफी पीते हैं? करो। और यस सर मैं नहीं 3y को पीता। मल्टीप्लाई किसके साथ करना? सर एक्स मैं तो स्क्वायर। कोल्ड कॉफी पी रहा, देखिए सर आइस क्यूब डाल अच्छा के ठीक मजे है, मजे में। ठीक है, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक, 3y को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इसके साथ। अरे वो वीडियो ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, अब उसके बाद 2x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो। 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर 2x को किसके साथ? बाई के साथ। 2x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर, फिर 2x को किसके साथ? 2x के साथ। तो 2x मल्टीप्लाई 2। ठीक, नेक्स्ट बाबू, फिर 3y को किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। तो अगर सारे जगह प्लस रहेगा तो प्लस लिखते चल जाना, है ना, सारे जगह प्लस है ना, तो प्लस लिखते चल जाएंगे। 3y को एक्स स्क्वायर के साथ, अब प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? दूसरा टर्म वाई स्क्वायर के साथ। अब प्लस कितना? 3y को मल्टीप्लाई करो 2/2 के साथ, है ना। कितना आसान है, कुछ करना थोड़ी है। 3y मल्टीप्लाई 2, यही तो करना। नेक्स्ट बाबू, यस रबी आप वीडियो ऑन कीजिए बाबू। 2x और यहाँ पे x, मल्टीप्लाई वाले को x आया था हिसाब का, तो एक को 2 है ना, तो 2 2 हो जाएगा। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, बेस सेम है तो बताया था पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 2x³ प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर, है ना, यहाँ पे कोई नहीं है वो अलग अलग टर्म है, x अलग है बाई अलग है, तो पावर ऐड नहीं करना, तो 2x बाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके पावर ऐड कर देना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना? 4 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस सर बोर्ड 3x ब्लर आ रहा पावर। है। ठीक, नेक्स्ट हो 3y या एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अब, और एक्स स्क्वायर बाई लिख दो, बाई एक्स स्क्वायर करो, करो चाहे एक्स स्क्वायर बाई करो, तो हम लोग एक्स स्क्वायर बाई लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। 3y या बाई मल्टीप्लाई करो, 3y मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर कितना? बाई रेज टू द पावर 3। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना? 6/2। अब इसमें आप खोल के देखेंगे, कहीं लाइक टर्म है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना। तो 2x³, कहीं लगता लाइक टर्म नहीं, ये दोनों शर्त, यहाँ एक्स बाई स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई है, बस समझो ये दोनों अंतर है। यहाँ एक्स ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स पे पावर 1 है, यहाँ एक्स पे पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर लाइक टर्म रहता कोई दोगो तो ऐड कर देता, क्या कर देता? ऐड कर देता। आंसर का वीडियो ऑन कीजिए बाबू। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन समझिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों टर्म के साथ। मतलब क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3। बाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3, है ना। किसी ठीक, नेक्स्ट का हो। अब पुनः किसके साथ मल्टीप्लाई? एक्स को एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाई स्क्वायर के साथ, म्यूट करो जी, एक्स स्क्वायर को बाई स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर को 3 के साथ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करो, बाई स्क्वायर को बाई स्क्वायर के साथ,
बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर को किसके साथ, थ्री के साथ, बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री, इंक खत्म हो गया। नेक्स्ट बाबू, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर एक्स बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर हम लोग छोड़ देते हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं, एक्स फोर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है सर, अब शांति से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, हाँ सर कहीं है सर, हाँ सर एगो यहाँ है सर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों सेम टर्म है ना, लाइक टर्म है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर थ्री, तो एक्स स्क्वायर थ्री को क्या लिखोगे, थ्री एक्स स्क्वायर लिखोगे, ये तो दोनों ऐड कर दिए सर, दोनों को ऐड कर दिए, बाय स्क्वायर कितना, बाय रेज टू द पावर फोर, अब बाय स्क्वायर थ्री कितना, थ्री बाय स्क्वायर, तो दिस इज अ फाइदर, ये क्या होगा अनलाइक टर्म में, तो ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, लिखो फिर हम बताते हैं, लिखो लिख के आगे बताते हैं सर, मैं दोनों आंसर सही है, हाँ बोला सर, सर बोलो भाई सर, मैं कॉफी पी सकता हूँ, अरे सदन पढ़ा ले रहा हूँ, टोटल होमवर्क नहीं सर, मेरी बहन मुझे बना के दे दी है तो मैं पी सकता हूँ अभी, अच्छा पी पियो जल्दी पियो, पढ़ाई करो, टोटल होमवर्क गलत बना, मैंने अरेंज करके लिखा है सर, मैंने लिखा है x 4 x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अरेंज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मेरा दोनों आंसर सही है, अच्छा ठीक है सर, आपने वो जो बॉक्स बनाया है उसको भी बनाना है, इसको अंडरलाइंड कर लो ताकि दोनों लाइक टर्म है, इसलिए बॉक्स बनाए कि आपको ये दोनों लाइक टर्म है हाईलाइट करने के लिए, ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए, तो हम लोग भी बॉक्स बनाए, बना लो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग माइनस वाला सीखेंगे, क्या करेंगे माइनस वाला बना दिया, समझा संकल्प, ऐसा संकल्प बाबू समझा जी, यस सर, जल्दी लिखो संकल्प, विक्रम वीडियो ऑन कीजिए जी, नेक्स्ट बाबू, यस सर अब क्लियर आ गया बोर्ड, जल्दी कीजिए विक्रम, वीडियो ऑन करो बाबू, अब इसके मम्मी को फोन करते हैं रात को, विक्रम के मम्मी को पढ़ता है दम नहीं है दम, सर पहला एगो बच्चा बाबू जो सारा होमवर्क गलत बना के, इसका होमवर्क देखो भेजते हैं ग्रुप में, एको को सही नहीं भेजा बनाया, सर किसका, उसी का विक्रम का, देखो एको को सही नहीं बनाया, गर्ल्स पे भी भेजिएगा सर, नहीं बाबू सब गलती बनाई है, बनाया सर, चलो जल्दी लिखो, यहाँ पे नहीं है सर इसीलिए उसको कुछ नहीं हो रहा, नेक्स्ट बाबू, ओएमजी सर कितना सारा गलती है सर, एक तो सही है आपने जो बोला था ना एक क्वेश्चन का फॉर्मूला निकलेगा माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है क्या सर, हाँ बाबू विक्रम भैया तो माइनस प्लस नहीं प्लस प्लस दे रहे हैं सर, अगर एक जेड सर एक साथ लिखना होगा सर, अगर एक्स और जेड एक साथ लिखना होगा ना सर, तो कैसे लिखूंगा एक्स जेड या फिर जेड एक्स, एक्स जेड लिखो सर, आपने जब एक बार लिखा था ना सर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो सर देखो
संकल्प ने दो डिवाइस से ज्वाइन किया। अरे उसका और नेटवर्क आपने मुझे क्यों? अच्छा नेटवर्क उसका नहीं पकड़ता इसीलिए। x माइनस y बाबू, समझना शांति से, जिसको नहीं समझ में आया समझो। ये क्या माइनस वाला, क्या है जेड है, टू नहीं है, ये क्या है जेड है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है। विक्रम वीडियो ऑन करो जी, जिसके मम्मी से आज बात करते हैं शैतान। ये ना पड़ेगा ना लाइक बाबू, नहीं पड़ेगा एकदम, थोड़ा सा भी नहीं पड़ेगा। सर यही क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बाबू, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को ये तीनों टर्म के साथ। एक्स मल्टीप्लाई कितना, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर माइनस वाई है, ये माइनस वाई, तो माइनस वाई को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। थोड़ा लोग आप लोग तेज हो जाओगे ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको करेल सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट, अब एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स को वाई के साथ, एक्स को बाई के साथ, एक्स मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ माइनस बाई है तो माइनस बाई कर दो, एक्स को माइनस बाई है तो माइनस बाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस जेड के साथ। एक चीज पूछ रहा था, पर तो माइनस है, आपने प्लस का लिखा है। यार एक चीज पूछ रहा था। हाँ जी सर, आप वो माइनस वाई सर क्यों लिख रहे हैं सर, सीधा सीधा सर एक्स इंटू एक्स माइनस कर दीजिए। अच्छा ठीक है, सीखो जैसे जैसे सिखा रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, अरे शैतान यार, ये एक्स के आगे नहीं कुछ है तो प्लस हो गया, एक्स के आगे नहीं कुछ है तो प्लस एक्स मल्टीप्लाई माइनस बाई, या ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करने के मने तो ऐसे भी कर सकते हो। पहला का ही लिखेंगे, ठीक, शांति से सुनो, ऐसे करो, इस एक्स माइनस है ना तो ये वाला माइनस यहाँ लिख दो, फिर एक्स मल्टीप्लाई बाई, माइनस है माइनस दो तरह से कर सकते हो। एक तो बहु माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज के करो, नहीं तो माइनस बाई को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर ब्रैकेट के अंदर भेज दो, ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, बाई बच जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स के आगे माइनस आ जाएगा, बाई के आगे प्लस आ जाएगा, जेड के आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स बाई माइनस एक्स जेड, अब बाई मल्टीप्लाई माइनस एक्स, बाई है मल्टीप्लाई क्या, अच्छा ठीक है, वाई एक्स यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, अब बाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, फिर प्लस है प्लस दे दो, बाई को बाई के साथ, बाई को एक्स के साथ, बाई को बाई के साथ, अब प्लस कितना, बाई को जेड के साथ, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस एक्स जेड, एक्स जेड प्लस माइनस वाई, अच्छा ठीक है, एक्स वाई को हम लोग बाई एक्स है तो इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं। सांद्र बाबू विक्रम, बाई बाई कितना, बाई स्क्वायर, अब बाई इंटू जेड है, दिस इज द बिकम जेड, तो बाई जेड हो गया, अल्फाबेट का ऑर्डर मिल। अब यहाँ देखो लाइक टर्म कोई है, हाँ सर एगो लाइक टर्म है, एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, लाइक टर्म है, ये वाला मेरा क्या है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, दोनों माइनस है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई माइनस एक्स जेड प्लस बाई स्क्वायर और प्लस बाई जेड, तो ये आंसर हुआ। लिखो अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में अगला में समझो। क्या सर अभ्या क्या कर रही, बोली ऊपर क्या देख रहे सर अभ्या, म्यूट करो विक्रम, क्या ये सब खेलते रहता विक्रम, बहुत कूटेंगे अभी इसको आगे, फिर भी सही है, कंसेप्ट फोकस नहीं करता शैतान, खाली इसका हड़बड़ हड़बड़ करते रहता है। वीडियो ऑन करो जी विक्रम, सारा होमवर्क बना के गलत भेजा, शर्म शर्म भी ना लगता इसमें, अरे लगता है सर आपसे, इसमें छोटा छोटा बच्चा है बाबू, सब दो क्लास का है, तीसरा क्लास का, मैं तीसरा क्लास का नहीं हूँ, समझा विक्रम,
सर मेरे को मैथ में बहुत प्रॉब्लम है, मैथ पसंद नहीं करता, मैं साइंस और इंग्लिश हिंदी पसंद करता हूँ ज्यादा, मैथ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मैथ आपको मैथ अच्छा नहीं लगता, वो तो ऐसा थोड़ी कि मैथ नहीं पढ़ना, और डंडा मारना चाहिए था ना सर पिछली बार आए थे तो, और डंडा मारते पहले का ही नहीं बताया, उसके बाद और डंडा पड़ता, मैंने पहले बताया तो था, तुम सुना नहीं ध्यान से, सर को बताया, सर को बताया है, बस मत करो है सुन, चुप रहो, लिखे बाबू जल्दी लिखे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, जल्दी लिखे, कब से छुट्टी दे रहे हैं, छुट्टी बाबू 30 फरवरी को मिलेगा छुट्टी, 30 फरवरी को, 30 फरवरी को क्या आप भी वैकेशन देंगे, अच्छा ठीक है छठ में छुट्टी देंगे, टेंशन मत ले, छठ में देंगे 5 दिन का छुट्टी, सर छठ में वो तो रायगढ़ में सर सबसे ज्यादा हुआ था, ऐसे बोल रहे हैं सर, में देना भी था ना उसमें सर पूरा 1 महीना का छुट्टी मिल गया था, जल्दी लिखें सर, हमें तो हॉलीडेज 1.5 महीने की छुट्टी है हमारी, अच्छी बात है, आप लोग का छुट्टी का कैलेंडर निकाल देंगे बाबू, है ना टाइम नहीं बच रहा है, कैलेंडर आप 2-3 चीज निकालेंगे है ना, आदमी नहीं आएगा तो एक प्रोस्पेक्टस बनवा देंगे, अभी अगला सेशन में क्या होता है सिलेबस वगैरह, उसमें सारा सिलेबस क्या पढ़ना नहीं पढ़ा प्रोस्पेक्टस बना देंगे, हॉलीडे का कैलेंडर बना देंगे, तो बनाया था ना सर बैची का, हाँ बाबू बनाए थे बाबू, उसको बढ़िया से प्रिंट करके फिर आप लोग का कुरियर करवा दिया जाएगा, जल्दी लिखो सीधा सीधा सर शेयर स्क्रीन करके दिखा दो, क्या कुरियर करते बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे, कुछ नहीं पढ़ाई 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 सर पढ़ाई विज्ञान सर कुरियर कर देंगे, कुरियर करवा देंगे, पढ़ाई कुरियर करवा देंगे, हां बोलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सर, एक कागज पे लिख देंगे पढ़ाई और इसे कुरियर करवाएंगे, विश्वास है सर, सांद्र सर नेक्स्ट वो a माइनस बी बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो कैसे करेंगे, उसी तरह करेंगे बाबू, सर सी स्क्वायर था, हाँ स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों टर्म के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस बी है माइनस बी लिखो, मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्वाति दीदी ना अपने उंगली में पेन का कैप पहन के ऐसे ऐसे कर रही है सर, ऐसे ऐसे, अच्छा उसको पीटेंगे, नेक्स्ट बाबू ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ, माइनस है माइनस दो, ए को मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर के साथ, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस दो, ए को मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर के साथ, ए सी स्क्वायर हो गया है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दो, निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, समस्या दूर रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो प्लस बी बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर कितना, a रेज टू द पावर 3, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, b a स्क्वायर हो जाएगा, b को इस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, b को किसके साथ, तो सर माइनस a हो जाएगा ना, b को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर के साथ, माइनस है माइनस को माइनस है माइनस दो, बी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, नेक्स्ट बाबू ये क्या हो गया, एक क्यू हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, सर वहाँ पर माइनस होगा, माइनस a स्क्वायर b, सर a स्क्वायर b, सर a स्क्वायर b, सर a स्क्वायर b,
अब वो साइन सारे का ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, सारे का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा भोली, ये प्लस हो जाएगा सर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी होगा सर, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है जी। ब्रैकेट को निगेटिव, निगेटिव संख्या ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे, साइन चेंज होगा, तो इसका आगे नहीं कुछ है, माइनस हो गया, बाकी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा प्लस बन जाएगा, है ना, ये प्लस बन जाएगा सर, माइनस वो सर माइनस बन जाएगा, हाँ माइनस बनेगा, माइनस माइनस बनेगा, माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सर, ए स्क्वायर बी, ये सर ए स्क्वायर बी सर, ए बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी सर, ए बी स्क्वायर आपने लिखा है, भारी बहुत बड़ी, ठीक ठीक। बी बी क्यू कितना हो जाएगा, बी क्यू आर बी सी स्क्वायर, अब इसमें सोचेंगे लाइक एक टर्म है ना, ये कानूनी कोई नहीं लाइक है, ये स्क्वायर बी है, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, लाइक टर्म नहीं तो छोड़ दो, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, क्या गप करने में लगी हो सर अभी, शैतान इसीलिए इसका होमवर्क गलत होता है, क्या गप करने में लगी भोली सर, कहां कहां गप क्या कर रही बाबू, गप करने में लगी हुई दादी से, देख रही है मेरा हो गया, मैं बैठी हुई सर, मैं आंसर भी सही है, और क्या चाहिए सर, जल्दी लिखिए, मैं तो लिखा हुआ है, सारा सही है, अच्छा आप लोग का सारा सही है, सर मेरा एक गलत था, मैंने एक्स वाई तो x z लिख दिया था गलती से, माइनस हो गया, तो माइनस वाला हम लोग इसी तरह से टाइकल करेंगे, सब जगह माइनस रहेगा तो उसी तरह से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर तो सब जगह प्लस हो जाएगा, हाँ सब जगह अगर माइनस रहेगा, जैसे यही क्वेश्चन है बाबू 534 तो लिखना है सर, हम बनाए, लिखोगे नहीं, खुद से बनाए, बनाओ खुद से, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यू मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यू और माइनस थ्री करो, थोड़ा अगला कौन सा टाइप है बाबू राजनंदिनी सर, अगला कोई टाइप नहीं है, बस ये लास्ट था, नहीं बाबू और होगा सारे में ऐसी करना, ठीक है ना, पहले इसको शांति से बनाओ, सर इसमें माइनस थ्री एक्स की पावर क्या है, थ्री थ्री है, ओके सर, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कर देंगे, जल्दी करो लक्ष्मी, माइनस टू, अरे माइनस टू एक्स रेज टू पावर टू माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू रेज टू एक्स रेज टू पावर टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री रेज टू पावर थ्री माइनस थ्री, जल्दी कीजिए लक्ष्मी बाबू, सर आपने इतना स्पीड में बोला कुछ समझ नहीं आया, नहीं दिख रहा बोली सर, दिख रहा है, मैंने तो क्वेश्चन लिख लिया जल्दी से, जब जब दिखा तो अब हटा गया, लेकिन अब तो मैं आंसर लिख रही हूँ, माइनस माइनस सर प्लस होता है ना सर, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, एडिशन में माइनस माइनस ऐड करते हैं, जल्दी करो अंशिका, अरे बाबू कैमरा डाउन करो, अरे कैमरा डाउन कीजिए जी, कैमरा डाउन करो बाबू, प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स फोर एक्स फोर सिक्स एक्स फाइव प्लस थ्री टू सा बाबू स्वाति हाँ तो आपको बाबू टाइम मिलेगा तो एक घंटा टेस्ट होगा स्वाति तब आपका नाम कछुआ हटेगा ठीक है ना सर आई हैव आल्सो डन वेरी गुड सर डन अच्छा ठीक है कछुआ की उपाधि तभी हटेगा बाबू जब टेस्ट में क्वालिफाई करोगे सर दो मिनट बस सर दो मिनट
जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। रुक जाइए शांति रखिए। कब होगा? आप लोग का नहीं, वो कछुआ का सिर्फ है। वो उसका नाम पहले बाबू बहुत स्लो पढ़ते थे, स्लो लिखते थे, पिछले साल एक साल पहले की बात है, इसीलिए उसका नाम, उसका नाम क्या रखे कछुआ रखे। सर आप इसको हटा दीजिए, बेचारी एक साल से झेल रही है। हाँ बाबू तभी तेज होगी तब ना, तेजी में सुंदर राइटिंग लिखेगी तब ना। नेक्स्ट बाबू, राइटिंग बढ़िया, स्लो स्लो लिखती है, राइटिंग बढ़िया बाबू का, स्लो लिखते है उसी को। देखो कैसे करेंगे सर, तो माइनस टू एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर को इसके साथ करो, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस थ्री, फिर माइनस थ्री एक्स क्यूब है, माइनस कितना है थ्री एक्स रेज टू द पावर थ्री है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, माइनस टू एक्स रेज टू द पावर टू माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा, इस निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर, तो टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी निगेटिव साइन अंदर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आगे क्या बचेगा, थ्री एक्स रेज टू दी पावर थ्री कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री। नेक्स्ट बाबू मल्टीप्लाई करो, टू एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करो, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस दो, टू एक्स स्क्वायर को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करो, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री एक्स क्यू, टू एक्स को मल्टीप्लाई करो थ्री के साथ, यहाँ टू एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ वाला ब्लैक वाला थ्री एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर के साथ, थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स क्यू के साथ, थ्री एक्स क्यू मल्टीप्लाई थ्री एक्स क्यू, थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ, है ना, यही करेंगे। नेक्स्ट है उत्कर्ष, वीडियो ऑन करो जी। अब नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, टू मल्टीप्लाई टू कितना फोर, एक्स स्क्वायर कितना एक्स रेज टू द पावर फोर, टू मल्टीप्लाई थ्री कितना सिक्स, एक्स स्क्वायर बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना एक्स के पावर फाइव, थ्री टू सिक्स एक्स स्क्वायर, थ्री टू सिक्स एक्स रेज टू दी पावर फाइव, थ्री थ्री नाइन एक्स रेज टू दी पावर सिक्स, और थ्री थ्री नाइन एक्स के पावर क्यूब, है ना। अब यहाँ पे देखो लाइक एक टर्म है कोई, हाँ सर एगो तो दिख रहा, ये सर 9x6 और 9x3, और सर एक और सर दो लाइक टर्म है, कन्ने दो को दिख रहा है जी, दो सर एक ही है, शैतान इसको सर गड़बड़ पता नहीं है सर, पावर वाला चीज 4x4 6 और 6 पता है मेरे को, मैंने वो 9x6 और देख आप प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 9x रेज टू दी पावर 6 हो जाएगा, और प्लस 9x रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा। राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू ट्राइनोमियल का, ट्राइनोमियल से जल्दी करो सर, आज ही ट्राइनोमियल करेंगे। हां बाबू, हां बाबू सर, क्या हुआ बोलो ना जी सर, मैंने सर आंसर 6x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 4x टू दी पावर 4 प्लस 2x टू दी पावर 5 प्लस 9x टू दी पावर 6। हाँ विक्रम बोलो बाबू सर, ने पावर्स का नहीं ऐड किए इसमें, पावर नहीं बेस सेम पावर की बाबू, एडिशन में पावर ऐड नहीं करते हैं, बताएंगे बताएंगे विक्रम, वो बच्चा जो हुआ उसका बचाएंगे बाबू, उसी के साथ आपको एक घंटा सेपरेट
सेपरेट बता देंगे ना तो हो जाएगा। सर मेरी मैम मुझे अलग बताती है, आप अलग बताते हैं, मेरे ट्यूशन सर अलग बताते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। अब तो करना क्या, कभी बोलते बेस है, बेस ऐड करना है, कभी बोलते बेस नहीं ऐड करना है। आप एक सिस्टम फॉल, मैंने बाबू आप शुरू से आए नहीं हो, देखो संग स्वर्णवान शुरू से पढ़ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, मैंने शुरू से आप पढ़े नहीं इसीलिए दिक्कत है, एक आध घंटा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बाबू। सर वो तो मैं डेली देता हूँ 8 बजे के बाद। अरे सर उसको बता दीजिए कि सर मैं पहले दो दो बैच करता था सर, बैच एफ और बैच ई, सर हाँ पहले वो 2 घंटा करता था बेसिक सीखा। मैं भी है ना, सारा बच्चा को पहले बेसिक सिखाया उसके बाद इसमें आता था तब वो तेज हुआ। जल्दी लिखो। अच्छा सर तो पहले मेरे को बैच ही करना उसके बाद बैच एफ? नहीं बैच एफ पहले उसके बाद बैच ई। ये कैसे करूंगा मैं? दोनों साथ साथ आप करो बच्चों वाला बेसिक्स। देखो इसमें सब बच्चे को पढ़ा है, राजनंदिनी को भी पढ़ा है, सबको पढ़ा है, 6-3-4 महीना सबको बेसिक पढ़ा है, सबको सब कुल। सर अभी भी कोई बैच एफ में क्लास करता है क्या इस क्लास बैच ई में से? यस सर। अरे बाबू बहुत सारे बच्चे। कौन कौन सर? तारिक सर अंदर सर करती है, मैं भी करती हूँ। हाँ बोले नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल, कौन सा वो ट्राइनोमियल में ट्राइनोमियल वो राजनंदिनी? यस सर एक ही तो बचा है। यस सर एक ही बचा है सर, ट्राइनोमियल विद पॉलीनोमियल सर, 6 नंबर सर, 6 ये तो लास्ट है सर, लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल सर। उसके बाद सर वो आपने सर टोटल प्रॉब्लम कराएंगे अलजेब्रा की, करवाएंगे करवाएंगे। बाकी आपका बुक है ना बाबू, बुक में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना धीरे धीरे है ना सर। डीआईवाई ज्यादातर सर ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब क्वेश्चन नहीं दिए, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है। अरे सारा करेंगे, सारा करेंगे, टेंशन क्यों लेते। उसके बाद ग्राफ, अब अलजेब्रा में बहुत सारे चीज पढ़ने बाबू। सर ग्राफ तो सर आपने करवा दिया है। हाँ बाबू। यस सर, हिस्टोग्राम पाई चार्ट जिसका छोटा है वो शाम वाला में पढ़ेगा अपने बार। ग्राफ ट्राइनोमियल बाबू। अरे पहले सर अपने बैच पहले पाप पढ़ो बाबू, दिमाग इधर उधर मत लगाओ, ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा लगाओ। कितना नंबर होगा बाबू राजनंदिनी सर? क्वेश्चन नंबर 535 a प्लस बी प्लस सी कौन है मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला आपका है ना, तो ये क्या है सर ट्राइनोमियल है ना, तीन टर्म है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा ठीक, तीन टर्म है तो क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। इसमें भी तीन टर्म है तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। अब बीचे में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है तो बन गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल बन गया सर। ये आपने बाइनोमियल विद बाइनोमियल में भी करवाया था। हाँ बोलिए। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना तो वैसे ही करेंगे शांति से। पहले एक क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं है, जो बचपन में सिखाए वही चीज है। ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इस तीनों टर्म के साथ। बी को किसके साथ? इस तीनों टर्म के साथ। सी को किसके साथ? ये तीनों टर्म के साथ। जैसे बचपन में सीखे वैसे करना, जिसका बाबू बेसिक ठीक है आसान है। ए को किसके साथ? ये तीनों टर्म के साथ, ए प्लस बी प्लस सी। बी को किसके साथ? अरे माइनस कहीं नहीं है जी सर आपने। अच्छा बी को किसके साथ? ये तीनों टर्म के साथ, ए प्लस बी प्लस सी। सी को फिर किसके साथ? ये तीनों टर्म के साथ। सी को ये तीनों टर्म के साथ, ए प्लस बी प्लस सी। यही करना। अभी क्या हो गया? मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, मोनोमियल बाय मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, ये तो बताइए किए हैं है ना। ए मल्टीप्लाई ए करो, ए को बी के साथ करो,
ए को सी के साथ करो, बी को ए के साथ करो, आसान है कुछ नहीं है। बी को ए के साथ करो, बी को बी के साथ करो, बी को सी के साथ करो, सी को फिर किसके साथ करो, ए के साथ। सी को किसके साथ, ए के साथ, प्लस सी मल्टीप्लाई ए। सी को बी के साथ, सी मल्टीप्लाई बी। सी को सी के साथ, सी मल्टीप्लाई। वेरी गुड, नेक्स्ट। अब ए मल्टीप्लाई ए क्या होता? सर ए स्क्वायर, ए बी डन प्लस ए सी। अब वो डन सर। अच्छा ठीक है, ए बी बी है तो इसको ए बी लिख सकते हो, बी बी है तो बी स्क्वायर हो गया, बी सी है तो बी सी रहने दो, सी ए है, सी ए को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, सी बी है तो बी सी लिख सकते हैं, और सी सी को सी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें जो लाइक टर्म है उसको एक जगह लिखो सर, ए बी लाइक टर्म है और ए सी लाइक टर्म है सर, बी सी भी स्टार दे देते हैं इसको, स्टार सिंबल से कर दे सारे को अलग अलग सिंबल से। सर बीसी को सर सर्कल से। अच्छा ठीक है, बीसी को सर्कल से कर दो। सर इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी सी। और सर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस बी स्क्वायर देन सर टू बी सी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। सर माय आंसर इज करेक्ट। सर मेरा भी आंसर करेक्ट है। अरे सर हल्ला मत करो, सर पहले बी स्क्वायर को सर लिखेंगे ना टू बी सी की जगह। अब शांति से सुनो, शांति सुनो, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, ये अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला बनेगा। इसको अरेंज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी टू बी सी प्लस टू बी सी प्लस टू प्लस टू सी बी ए। अल्टीमेटली क्या है सर, ए प्लस बी प्लस सी। सर फॉर्मूला बन गया ना सर, सर दोनों मेथड के साथ करेंगे। रुको ना समझाते, ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी दो मल्टीप्लाई क्यों लिखे है सर, ए सी होना चाहिए ना। अरे साइक्लिक ऑर्डर, रुको ना समझाते जी, ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी, सेम टर्म है ना, दो बार मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी सेम टर्म है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस सी। स्क्रीन ठीक ब्लर आ रहा है सर, स्क्रीन ब्लर आ रहा है, ऐसे ही कर लो। अच्छा ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है, अरे इस फॉर्मूला को भी लर्न करना है। हाँ तो मैं तो लर्न नहीं कर सर, स्क्रीन ब्लर आ रहा। अच्छा ठीक है बाबू, सही कर रहे हैं। अच्छा डीआईवाई सर, डीआईवाई लिखो ना पहले इसको, लिख लिया सर, टाइम बचा है सर, टाइम बचा सर, हाँ लिखो लिखो जल्दी सर। एक क्वेश्चन और बता, बहुत बोलता है बाबू, शांत रहे। लक्ष्मी कहाँ गई हमारी लक्ष्मी, समझ में आ रहा बाबू, लक्ष्मी ए लक्ष्मी समझ में आता बाबू? यस। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, डन सर। माइनस वाला भी दे दीजिए अभी। नहीं सर अभी मत तो पढ़ाइए सर माइनस वाला। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, पहले लिखो, हल्ला मत कीजिए। सर डीआईवाई। अच्छा दे रहे हैं डीआईवाई, लिखो ना पहले जी। सर पर आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है। अरे शैतान कैमरा शेयर किया हुआ ब्लर आ रहा है कि तो? सर मेरे पास शेयर आ रहा है सर, लिख लिया मैंने पर फिर भी ब्लर आ रहा है सर। आप डीआईवाई बैच में दे सकते हैं, मैं वहां से कॉपी कर लूंगा, ग्रुप में डाल सकते हैं। चुपचाप यहाँ लिखे बाबू, बहुत ताल से हो।
सर हाँ जी दिख नहीं रहा है सर नहीं दिख रहा हाँ जी चिल्ला कर रहे बाबू नहीं दिख रहा कैसे डाटा खत्म कर दिया होगा नहीं सर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से कनेक्टेड है अभी आपका वाईफाई लिया मम्मी बोली नहीं लिया बाबू आप कह रहे एयरटेल एक्सट्रीम है झूठ का बोलते हो जी सर झूठ का भाई भैया के पास है वाईफाई लगा रखे भैया मेरे उन्हीं से कनेक्टेड है तो भैया लगा रखे बहुत तो भैया दूर में रहते हैं कितना दूर में रहते हैं से भैया मेरे घर के पास ही है मेरे बगल वाले फ्लैट में रहते हैं कितना दूर रहेंगे गजब अभी बात नहीं करते इसीलिए नहीं पकड़ता बाबू सुबह मैंने कनेक्ट कर रखा फिर भी थोड़ा बहुत हां इसीलिए कनेक्ट नहीं सही से होता दूर से तो दिख ही नहीं रहा है कुछ जल्दी लिखो बाबू सर लिख लिया अब कितना लिखूंगा नेक्स्ट DIY आपको अंडा वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है ना जी नो सर अंडा वाला एक्सपेरिमेंट यस सर दिखा दीजिए नो सर यस सर दिखा दीजिए सर दिखा दीजिए सर शेयर बंद कर दीजिए सर क्या चीज खाइए दिखाते हैं सर क्या चीज सर उस दिन मंथली टेस्ट का सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता देंगे सर क्या चीज दिखाना है सर पिटाने वाला वीडियो दिखा रहे हैं नहीं अंडा को पानी में डालोगे तो क्या होगा सर ऊपर आ जाएगा सर ऊपर आ जाएगा सर ऊपर रहेगा सर फ्लोट कर जाएगा अच्छा ठीक है शांत रहे हल्ला मत कीजिए हाँ सर मेरे को नहीं दिख रहा कुछ सब ब्लर आ रहा है दीजिएगा सर वे कुछ दिख ही नहीं रहा है सर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल सर मैं सुहैल से मांग सकता हूँ उसका फोटो मांग लेना सर ट्राइनोमियल भी दे दीजिए अच्छा ठीक है शांत रहिए सारा देंगे और सर आज मेरी मैम ने है ना वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सिखाया अच्छी बात है सर मेरे को तो समझ भी आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है सर वो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था तो मंत्री देश का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर in 4 digit in number system so uska answer sir 9000 kaise 4 digit ka largest number 4 digit ka smallest number sir hum log ko nahi padhaya tha sir 537 kaise banega sir 9000 kaise sir wo don number ko multiply karo kaise ka banega isko iske sath karo isko sath karo isko iske sath karo matlab sir the formula sir sahi to binomial polynomial हाँ हाँ वैसे करना सर ये तो मोनोमियल विद पॉलीनोमियल है ना सर बता दीजिए ना एक बार सर अच्छा बता देंगे जी हल्ला क्या कर रहा हूँ सर हो गया बस सर बता दीजिए सर बहुत हो गया सर मत दीजिए और तीन क्वेश्चन है ना जी फिर आपको याद भी रहेगा कि 540 से स्टार्ट करना है सर 538 सर मैं फॉर्मूला से कर सकता हूँ सर हमें सर पेयर भेजना होता है ना रफ नहीं भेजना होता ना रब मैं अब नहीं है आपके पास तो पहले रब बना के भेजना उसके बाद 538 को सर मैं सेकंड मेथड से कर सकता हूँ पहले सेकंड मेथड छोड़िए पहले ऐसे बनाइए मल्टीप्लाई करके सीखिए
स्क्रीनशॉट आपने तो बताया क्वेश्चन नंबर 557।